हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो हम दोबारा से खेलने वाले हैं रमी कल्चर पे 1014 मी। एंड गाइस, ये गेम प्ले मजाकदार काफ़ी टाइम से होने वाला। ये गेम प्ले थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला, लेकिन हम जो है इजी विनर बनने वाले हैं। विन का हम जो है थोड़ा करें, लेकिन विन जरूर करने वाले हैं। सो गेम प्ले मस्ट एंड तक वॉच करना, हो सके तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, सो गाइस बात करते हैं इस गेम प्ले की। तुम्हारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में 3 जोकर है एंड वैलिड कार्ड है। एंड गाइस, जो लेफ्ट प्लेयर होता है ड्रॉप कर देता है ये बंदा। इसी के साथ हमारी प्योर्स को देख सकते हो फर्स्ट में रेंज हो चुकी है। अब हम निकाल देते हैं क्लब में 8 को ही निकाल देते हैं वैसे, या फिर कमी निकालें। वैसे कार्ड तो हमको जो है चाहिए अभी भी 2 वैलिड। कमी निकाल देते हैं वैसे। 8 को मैंने इस वजह से होल्ड रखा है क्योंकि फ्यूचर में अगर हमारे पास जो है 7 आ गया तो हम जो है 5, 7 और 8 की फोर्थ कार्ड की सीक्वेंस नहीं कर लेंगे ना। ओके, एंड गाइस 3 प्लेयर तो ड्रॉप कर चुके हैं। ओके, एंड डीलर बचा है और ये चलो प्ले करा बढ़िया। अब 1v1 है तो 1v1 में आई थिंक जो हम इजी डिक्लेयर कर पाएंगे। 8 आ चुका है हमारे पास गाइज, हम 2 डिस्कार्ड कर देते गाइज, 5 हम सेट रहे करेंगे। ओके, फाइनली गाइस डिक्लेयर करने के लिए हमको चाहिए ओनली सिंगल कार्ड, और ये बंदा अगेन 8 डिस्कार्ड करता है, ये तो यूजलेस है। क्लोडा से गाइस कार्ड पिक करते हैं। ओके, 10 आ चुका गाइस, 10 के साथ तो डिक्लेयर नहीं होने वाला। इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं, वैसे कहीं बंदा पिक ना कर ले क्योंकि इस बंदा 8 निकाला था, 8 के अकॉर्डिंग हमने इसको 10 डिस्कार्ड किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और ये बंदा जे डिस्कार्ड कर रहा है, कोई नहीं, क्लोडा से गाइस कार्ड पिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, देखते हैं अच्छा ही कार्ड आ जाए। 9 तो हमारे काम का है, लेकिन गाइस इस बंदे ने 8 भी निकाला था। वैसे हम 9 निकाल सकते हैं क्योंकि इस बंदे ने डबल 8 निकाल दिया। रिस्क तो गाइस लेना पड़ेगा। वैसे मुझे डाउट भी हो रहा था कहीं बंदा 9 पिक ही ना कर ले क्योंकि इस बंदे ने बैक टू बैक 8 निकाला था। मुझे ये भी डाउट था कहीं बंदे को 8 की ना नीड हो, क्योंकि इस बंदे के पास 8 डबल थे और हम इस बंदे को अगर 8 निकालेंगे क्लब में तो ये बंदा पिक कर सकता है ना। ओके, डायमंड 9 बंदे डिस्कार्ड किया, कोई नहीं, क्लोडिया से कार्ड पिक करते हैं। ओके, स्पिट्स 9 अगेन गाइस, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब देख रहे हो गाइस कहाँ पे हमको सिंगल कार्ड चाहिए और कहाँ पे देख रहे हो इतनी टर्न लग रही हैं, क्या ही बोलूँ। ओके, 8 ये भी यूजलेस ही है। क्लोडिया से कार्ड पिक करते हैं अगेन। ओके, क्वीन आई, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे हमने पहले भी क्वीन निकाली थी, बंदे ने पिक नहीं किए थे। मैं सोच रहा हूँ बंदा क्वीन का कार्ड हर्ट क्वीन डिस्कार्ड कर दे, लेकिन ये बंदा तो कुछ और ही कार्ड निकाले जा रहा है। 7 ये भी यूजलेस है। क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं गाइज। ओके, और फाइनली गाइज हमारे पास हर्ट 8 आ जाता है। हम फर्स्ट लाइन में अरेंज कर लेते हैं, हमारी फोर्थ कार्ड की सीक्वेंस अरेंज हो चुकी है। 3 के साथ करते हैं शो, इसी के साथ डिक्लेयर। वैसे गाइज मुझे नहीं लग रहा जे बंदा ज़्यादा पॉइंट से लॉस हुआ होगा, लेकिन ये क्या बंदा जब 47 पॉइंट से लॉस होता है। वैसे इस बंदे को जो है स्मॉल कार्ड चाहिए थे गाइज, वो तो अच्छा होगी हमारे पास अच्छे कार्ड आए गए, हमने डिक्लेयर कर दिया। अगेन गाइज कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, जिस पर गाइज हमारे पास सिंगल जोकर है और प्योर सिक्वेंस है और वैलिड कार्ड भी काफ़ी हैं। रिस्क लेना बनता है, डायमंड 2 आ चुका है गाइज हमारे पास। हम निकाल देते हैं हर्ट में 10 को। अगर गाइज मैं 9 ओपन ऐसे पिक करता ना हर्ट में, तो बंदे जो है कभी भी 8 या फिर जे नहीं निकालते, क्योंकि उनको पता है हमने ओपन ऐसे कार्ड पिक किया है तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस वजह से मैंने क्लोड ऐसे कार्ड पिक किया था। ओके गाइज 3 प्लेयर ड्रॉ कर चुके हैं और 47 पॉइंट मतलब तो प्ले ही करेगा, मुझे पता था ये। देखो बंदा फर्स्ट में स्मॉल कार्ड निकाल रहा है, कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है 2 तो। ओके, 5 आ चुका गाइस हमारे पास, हम किंग निकाल देते हैं, 5 को तो नहीं निकालेंगे क्योंकि इस बंदे को कहीं 5 की ही ना नीड हो। काफ़ी बार ऐसा होता है अगर हम एक कोई ऐसा कार्ड निकाल देते हैं ना और बंदा डायरेक्ट डिक्लेयर कर देता है, हम इस वजह से ऐसी गलती नहीं करेंगे इसको फॉलो करके। एंड गाइस देखो मैंने बोला था ना, बंदे ने देखो फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर कर दिया, सीरियसली भाई। एंड गाइस देखो हमारे 32 पॉइंट लग चुके हैं डायरेक्ट, मतलब प्ले करने का कोई बेनिफिट नहीं मिला, बट अब क्या ही कर सकते गाइस।
यहाँ पे ना मेरा दिल टूट चुका था गाइस, कि हमको जो है डिक्लेयर करने का कोई बेनिफिट नहीं मिला और बंदे ने इतना फास्टली डिक्लेयर कर दिया, क्या ही बोलें गाइस। और यहाँ पे टर्न ही लगनी लगी थी, और इस बंदे के पास जोकर देखो कितने ही थे। खैर कोई नहीं गाइस, ये हमारे लिए थोड़ा सा एडवांटेज था क्योंकि सभी प्लेयर के इक्वल पॉइंट हो चुके हैं अब। वैसे अब हमें ड्रॉप करना पड़ेगा गाइस, इस बार तो हमारे पास कार्ड है नहीं, सो हम करेंगे ड्रॉप एंड करते हैं इसी के साथ बैट स्किप, नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ओके तो फाइनली गाइस जो है राइट प्लेयर डिक्लेयर कर देता है, एंड गाइस यहाँ पे ना थ्री प्लेयर प्ले करते हैं, और जिन में से एक प्लेयर जो है डैट एलिमिनेट हो जाता है, जो हमारे फ्रंट में बंदा बैठा था आई मीन विकास नाम का बंदा, इस बंदे की प्योर से कोई रही नहीं हो पाती और ये बंदा डैट एलिमिनेट हो चुका है। और जो टू प्लेयर थे उन दोनों में से एक प्लेयर जो है 19 पॉइंट से लॉस होता है और दूसरा 28 पॉइंट से लॉस होता है, मतलब गलत सीन हो गया गाइस इस बंदे के साथ तो। और यहाँ पे टर्न काफ़ी लगी थी जिस वजह से बंदे की फिर भी प्योर सिक्वेंस नहीं हुई, एंड गाइस देखो बंदे के पास कितने वैलिड कार्ड थे फिर भी नहीं प्योर सिक्वेंस नहीं हुई। रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्लेयर एक्टिव थे जिस वजह से बंदे की प्योर सिक्वेंस नहीं हो पाई। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, इस पर गाइस हमारे पास टू जॉकर हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वैलिड कार्ड कम है। सो देखते हैं गाइस कितने प्लेयर प्ले करते हैं, उस हिसाब से हम सोचेंगे प्ले करना है या फिर ड्रॉप। वैसे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे टू प्लेयर एक्टिव रहेंगे तो रिस्क ले सकते हैं। ओके एक प्लेयर ने तो ड्रॉप कर दिया और दूसरे ने भी ड्रॉप कर दिया, मैं सोच रहा हूँ ये भी ड्रॉप कर दे तो हम रिस्क जरूर ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास टू जॉकर हैं। ओके इसने कहा अपन तो क्लोडे से कट पिक करते हैं, एंड फाइनली गाइज हमारे पास फर्स्ट में प्योर सिक्वेंस चेंज हो चुकी है, सो हम हर्ट में एस डिस्कार्ड कर देते हैं। अब देखते हैं ये बंदा प्ले करता है या फिर ड्रॉप, लेकिन ये बंदा भी गाइज ड्रॉप कर देता है। चलो ये हम राउंड के तो इजी विनर बन चुके हैं, एंड गाइज हमारे और इस बंदे के इक्वल पॉइंट हैं, बट कोई नहीं। सो अगेन गाइज कार्ड रिसीव हो चुके हैं, जिस बार गाइज हमारे पास प्योर सिक्वेंस तो है लेकिन जोकर में एड उसमें और ओपन डेक में जोकर देखो 88 पॉइंट बंदे के पास जा रहा है, सॉरी 86 पॉइंट वाले बंदे के पास। अगर हमारे पास आता तो मैं रिस्क जरूर लेता, लेकिन कोई नहीं ड्रॉप करेंगे। एंड देखते हैं गाइज जो राइट में बंदे बैठे हैं ये प्ले करेंगे या फिर नहीं। किंग निकाला है, कोई नहीं ड्रॉप करते हैं हम, एंड देखते हैं 66 पॉइंट वाला बंदा ये तो प्ले कर रहा है। वाह क्या बात है गाइज, मतलब किस बंदे के पास आई थिंक अच्छे कार्ड होंगे। अब डीलर देखते हैं, ये मुझे लग रहा है ड्रॉप करेगा, लेकिन ये क्या ये गाइज बंदा प्ले कर रहा है, चलो बढ़िया। अब देखते हैं गाइज कौन बंदा डिक्लेयर करता है, सो करते हैं बैट स्किप। ओके सो फाइनली गाइज जो है 88 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है, एंड गाइज यहाँ पे ना जो 80 पॉइंट वाला बंदा होता है ना यही एलिमिनेट होता है, और चारों प्लेयर में से और कोई प्लेयर भी आई मीन एलिमिनेट नहीं होता, मतलब देख रहे हो। वैसे इस बंदे की प्योर से क्यों ऐसे नहीं हुई, गलत सीन हो गया इस बंदे के साथ तो। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, इस बार गाइस हमारे पास मैं सोच रहा था ये बंदा ड्रॉप करेगा लेकिन ये तो ड्रॉप नहीं कर सकता क्योंकि 6 ओपन डेक में था ना, वो हमको नीड थी, लेकिन इस कार्ड शो से तो हम ड्रॉप ही करेंगे क्योंकि अगर हम गाइस प्ले भी करेंगे ना तो तब भी हमारे जो है ना 30 से तो प्लस ही पॉइंट रहेंगे, आई मीन फर्स्ट एंड सेकेंड लाइफ रेंज होती है तो तब भी, क्योंकि हमारा जो है जॉकर रेंज हो जाएगा ना फर्स्ट लाइन में, सो इस वजह से हम ड्रॉ कर देते हैं। हो सकता है काफ़ी बंदे रिस्क ले सकते थे लेकिन हम ऐसा नहीं करते। सो गाइज हम करते हैं अगेन बैट स्किप, देखते हैं कौन डिक्लेयर करता है। ओके सो फाइनली गाइज जो है 72 पॉइंट बंदा डिक्लेयर कर देता है, एंड गाइज ये जो तेने दोनों प्लेयर होते हैं ना ये बंदे इजी लिमिट हो जाते हैं और ये बंदा इजी विनर बन चुका है। एंड गाइज हम इस बंदे को सबमिट पाइक को सेंड करते हैं और ये बंदा जो है फाइनली एक्सेप्ट कर ही लेता है, थोड़ा सोचता है फिर एक्सेप्ट कर लेता है, चलो कोई नहीं साइड तो कर ली से बंद नहीं। सो अगर गाइस आपका गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।